हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट के 73 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य क्षेत्र में कहाँ 1977 में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? महरोड़ी में। उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई? 1980 ईस्वी में। उत्तराखंड राज्य में औषधीय पादपों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम के तहत राज्य की कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं? 114 जड़ी बूटियां। उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कूट के माध्यम से सही विकल्प चुने। ऑप्शन देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है, यह सही है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में है, यह भी सही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल एवं अल्मोड़ा जिले में, यह सही नहीं है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति उत्तराखंड राज्य के देहरादून, पौड़ी गढ़वाल तथा हरिद्वार तीनों जिलों में, यह भी सही है। तो यहाँ पर ए, बी और डी सही है। ऑप्शन देखते हैं, ए, बी, डी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं समशीतोष्ण वनों की विशेषता। कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन तीन देशों के मध्य सहयोग है? भारत, चीन और नेपाल। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? बंजर भूमि का वनीकरण। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना 1936 में नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में होती है। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है काला डोंगी में। उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के विकासनगर तहसील में 2013 को कोका कोला प्लांट के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ? झरबा आंदोलन। उत्तराखंड राज्य में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के विषय में गलत कथन को पहचाने। ऑप्शन देखते हैं। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना देहरादून में सन 2005 में की गई, यह सही है। झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित हरिद्वार जिले में है, यह भी सही है। नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना 2015 में नैनीताल में किया गया, यह भी सही है। नैनीताल में स्थित पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारतीय आयात प्राधिकरण ने कितने पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? 44 पौधों पर। फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक दी वैली ऑफ फ्लावर्स निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? फूलों की घाटी से। रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर 1957 ईस्वी में निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? कार्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड राज्य में सुगंध जड़ी बूटियों के कृषिकरण संग्रहण तथा विपणन के लिए राज्य का दूसरा जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में सुगंध पादप केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? सेलाकुई देहरादून में। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है? चमोली जिले में। उत्तराखंड राज्य के कार्बेट नेशनल पार्क से संबंधित कथनों में से असत्य कथन को चुने। ऑप्शन देखते हैं। इसका प्रवेश द्वार नैनीताल के ढिकाला में है, यह सही है। 1 नवंबर 1973 में इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यह भी सही है। उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि 2013 में बाघों के संरक्षण के लिए यहाँ पर 118 सदस्य स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया, यह भी सत्य है। ऑप्शन सी सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है।
उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथनगा कूट के माध्यम से चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं, वेनसर वन्य जीव विहार की स्थापना 1988 में अल्मोड़ा जनपद में होती है, यह सही है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में उत्तरकाशी में हुई, यह भी सही है। मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना 1993 में देहरादून में हुई, यह भी। नंदौर वन्य जीव विहार की स्थापना 1912 में, यह सही नहीं है। तो यहाँ पर ए बी और सी सही है। नंदौर वन्य जीव विहार की स्थापना 2012 में होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ए बी और सी। उत्तराखंड राज्य के चारों संरक्षण आरक्षित में से क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। ऑप्शन देखते हैं, पहले नैना देवी, फिर पवालगढ़, फिर झिलमिल झील, फिर आसन वेटलैंड। इसका आंसर होगा डी सी बी ए। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फूलों की घाटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ लगभग 500 प्रकार के पुष्प मिलते हैं, यह सही है। यह अल्मोड़ा जिले में अवस्थित है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यह चमोली जिले में है। यहाँ फूलों के खिलने का मुख्य समय लगभग जुलाई प्रथम सप्ताह से अक्टूबर अंतिम सप्ताह तक होता है, यह भी सही है। नटग्रास या अमेला नाम वनस्पति यहाँ पर पर्यावरणीय संकट पैदा कर रहा है, यह भी सही है। उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के आगमन के अनुसार अवरोही क्रम के आधार पर सही विकल्प चुने। सर्वाधिक पर्यटक कार्बेट नेशनल पार्क में आते हैं, उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क में, और उसके बाद फूलों की घाटी में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बाघ गणना 2018 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कुल कितने बाघ हैं? 442। चंद्र प्रभा ऐतवाल नामक पर्वतारोही ने उत्तराखंड के किस बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया? दयारा बुग्याल को, जो कि उत्तरकाशी जनपद में है। उत्तराखंड राज्य में स्थित फूलों की घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने। ऑप्शन देखते हैं, यह समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है, यह सही है। इसका मुख्यालय जोशीमठ है, यह भी सही है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका नाम से संबोधित किया, यह भी सही है। उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में क्षेत्रफल के आधार पर यह दूसरे स्थान पर है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान जिसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य में 1995 ईस्वी में किस जिले में किया गया? नैनीताल जिले में। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने। ऑप्शन देखते हैं, 2020 की गणना के अनुसार हाथियों की कुल संख्या 2026 है, यह सही है। 2018 की गणना के अनुसार राज्य में कुल 839 तेंदुए हैं, यह भी सही है। 2020 की गणना के अनुसार राज्य में कुल 3031 मगरमच्छ है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जबकि 2019 की गणना के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या 442 है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया है? उत्तराखंड को। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं, मोहनरी व देघाट अल्मोड़ा जमरीखाल पोड़ी व जोशीमठ में जड़ी बूटी क्लस्टर स्थापित है, यह सही है। जड़ी बूटी विपणन के लिए ऋषिकेश टनकपुर में जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई, यह भी सही है। अत्यधिक जड़ी बूटी वनस्पति 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जबकि मुनि की रेती में ऋषिकेश हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है, यह भी सही है। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है? ऑप्शन देखते हैं, कार्बेट नेशनल पार्क यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है, गोविंद नेशनल पार्क यह नहीं है, राजाजी नेशनल पार्क यह भी है, गंगोत्री नेशनल पार्क यह नहीं है। तो ए और सी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फूलों की घाटी की खोज करने वाले फ्रैंक स्माइथ अपने साथ वहां से लगभग कितने फूलों के बीज ले गए? लगभग 250।
1983 में 3 वन्य जीव अभ्यारण्यों को मिलाकर सी राजगोपालाचारी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन डी नंदन कानन, जबकि मोतीचूर, राजाजी और चिल्लाए, इन्हें मिलाकर 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।